हेलो गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं सापुतारा, पर इससे पहले उनाई में भी रुकेंगे। लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है तो हमें अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, तो चलो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। चलो कितने 68,380। हाँ मैं उठा रहा हूँ। अरे तो मार मोबाइल में पैसे उतारी ले दूँ। आला बाय बाय सूरत। अब हाँ बोलो कराए उन्हें तो अभी सीधे सूरत से उनाई पहले नहीं फर्स्ट ऑफ बारडोली के फर्स्ट ऑफ बारडोली जाएंगे। हाईवे हाईवे जाएंगे हाईवे टू हाईवे कितना किलोमीटर 158 किलोमीटर। ओ 158 छे देवमोगरा से भी दूर है। ओ देवमोगरा 140 138 जेवू है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी आई डी सी पुलिस स्टेशन पर स्मार्ट पाते हैं। गाड़ी पर धीमा जाता है सब एक लाख बहुत जोर में जिए थे। जबरदस्त ठंड, बहुत ठंड लग रही है गाइस। देखते हैं ये क्या है। अभी बारडोली बारडोली पे स्टॉप लेना है, चाय भाई पीते हैं बारडोली पे तो नहीं बिठाते हैं भाई। पैसा पैसा ये है इंडिया। गायों की वजह से हाईवे जाम। इंडिया में हाईवे इनके लिए बनाया जाता है। Suspend my life.
भादोले की फेमस चामुंडा रेस्टोरेंट और चाय भी ऊपर है। बिना चाय के क्या होता है भाई। आज तो ये है बारडोली और आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे चामुंडा होटल है चाय की, तो चाय पी के जरूर जाइएगा। बहुत ही टेस्टी चाय है बारडोली की, फेमस एकदम। तो सूरत से निकलो तो पहले चाय बाद में, ठीक है। हर साल दिवाली पे हजारों लोग, हजार हजार तो निकले, हजारों लोग यहाँ से सीधी पैदल चलते हैं। 9 से 10 दिन लगते हैं यहाँ से जाने आने में। तो उनाई पहुंच चुके हैं, यह उनाई का टेंपल। क्या खा रहे हो भाई? ये गाड़ी में से एक जगह है, इसमें तो एक साइड लगा ले। ये पुलिस पुलिस वाले के कहाँ है पंकू? मंदिर गया जीने है वह, तो हमें जीना है अभी अंदर। अरे यार बहुत कुछ सापुतारा की वजह हाँ। वो चेंज है यू बहुत चेंज हो गया भाई। यह गर्म पानी का कुंड,
तो ये जो आप देख रहे हैं वो सिक्के हैं 2-3 रुपए के। ये गर्म पानी का कुंड है, यहाँ पे राम जी ने बाण मारा था तो ये गर्म पानी का झरना निकला था। यहाँ पे सीता माता नहाई थी। पानी इतना गर्म है यहाँ तक गर्मी महसूस हो रही है। इसको ऊना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सीता माता नहाई थी तो गुजराती में ऊना ही बोला था, इसलिए उसको ऊना ही कहते हैं। बहुत गर्म है भाई, यहाँ तक गर्मी महसूस हो रही है। और इसमें नहाने से चमड़ी के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। धुआं देखो, धुआं कितना गर्म है सोचो। सिक्का डाला कहाँ? ये जो आप देख रहे हो सब सिक्के, कितना साफ पानी है। गर्म देखो, धुआं देखो, धुआं। इनको स्किन प्रॉब्लम होता है, सब यहाँ आते हैं नहाने। बाजू में नहाने का कुंड, कुंड बाजू में है ना। वे टू मुंडन हट एंड बाट एरिया। भाई बहुत गिर दी थी यार। कितना साफ पानी है, पिछली बार आया था तो पूरा गंदा हो चुका था। सिक्के तो देखो, कितना गर्म है। और यह है मंदिर, श्री राम जी का मंदिर है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ही तीर मारा था यहाँ पे और ये गर्म पानी का फुहारा निकला था।
यहाँ पे लोग नहाते हैं। जामदे माता का मंदिर है, यहाँ पूरा गंदा पानी कर रखा है। ऐसे गर्म पानी का कुंड तो यूपी में भी है, जो वहाँ पे मस्जिद है। अंदर मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है भैया। तो ये है उनकी पूरी स्टोरी। क्या है पंडित है तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे कोई ऋषि था सरभंग ऋषि, उसको भी स्किन का प्रॉब्लम था, सब सड़ी हुई थी, तो राम जी ने जब तीर मार के जब पानी निकाला था और उसने नहाए थे और वो ठीक हो गए थे। बहुत गर्म है यार। चलो भाई अब चलते हैं। कहाँ गया पिला लोगों को?